नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्टनेस इन टोपोलॉजी पार्ट 5। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक भी जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अब आगे नेक्स्ट थ्योरम। तो थ्योरम क्या है हमारी? शो डेट ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। हमें प्रूव करना है क्लोज सबसेट ऑफ ए काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। लेट एक्स इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट, ठीक है, एंड ई सबसेट ऑफ एक्स बी क्लोज्ड। क्लोज सबसेट लेकर चल रहे हैं इसका। वी वांट टू शो डेट ई इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हम ये चाहते हैं प्रूव करना। तो काउंटेबली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन के लिए, हम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट ए बी एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ई। ठीक है, सिंस ई सबसेट ऑफ एक्स एंड ए सबसेट ऑफ ई, ठीक है, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ एक्स आल्सो एंड ए इज इनफाइनाइट। ए तो इनफाइनाइट है बट कैपिटल एक्स क्या है, एक्स इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। काउंटेबली कॉम्पैक्ट है सो कैपिटल ए दिस हैज ए लिमिट पॉइंट इन कैपिटल एक्स। से कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स। सिंस ए सबसेट ऑफ ई एंड ए सबसेट ऑफ ई, सो दिस ए इज आल्सो ए लिमिट पॉइंट ऑफ, बट ई इज क्लोज्ड, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू ई। ठीक है, सो कैपिटल ए हैज ए लिमिट पॉइंट इन ई, सो ई इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट। हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, यहां पर कोई इनफाइनाइट सबसेट लेकर चले और उसका लिमिट पॉइंट इस सेट में ई में एग्जिस्ट करवा दिया, तो ई क्या है, काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सीक्वेंटली
कॉम्पैक्ट स्पेस, ठीक है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस कैपिटल एक्स, दिस इज सेड टू बी सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ every sequence in capital X has a convergent subsequence, ठीक है। every sequence in capital X has a convergent subsequence, तब वो क्या होता है, sequentially compact space। और दूसरी डेफिनेशन और लिखें कि भाई ए सबसेट कैपिटल ई ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट। If and only if every sequence in E contains a subsequence which converges टू ए पॉइंट ऑफ ई, वो ई के किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे तब भी ये स्पेस क्या होता है, सीक्वेंटली कम्पैक्ट स्पेस। तो क्या थ्योरम है किसकी, एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट। देखो कैसे करेंगे, लेट ई सबसेट ऑफ एक्स बी फाइनाइट, हम ई क्या लेकर चलें, इसका फाइनाइट सबसेट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, ई इज सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो उसके लिए लेट करते हैं एक्शन दिस बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स इन ई, एक सीक्वेंस ली है, सिंस E is finite, then at least one of the element in E, say कर लेते हैं X, must appear an infinite times in the sequence। जब e finite हो जाएगा तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट होगा तो infinite time sequence में दिखाई दे, उसको हमने expose कर लिया, ठीक है। Hence, x x up to so on, this is a subsequence of x n which converges to x belongs to e,
ठीक है, हेंस कैपिटल ए इज सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ए सीक्वेंस विच इज नॉट सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल, ए 01 ओपन इंटरवल ऑन द रियल लाइन। ठीक है, विद यूजुअल टोपोलॉजी दिस इज नॉट सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट। तो देखो कैसे करते हैं इसको, कंसिडर द सीक्वेंस ए एन किसके कॉल है, 1/2, 1/3, 1/4 इन ए, देयर फॉर ए एन दिस कन्वर्जिस टू जीरो। ए एन किसको कन्वर्जेंट हो गया, जीरो को, एंड देयर फॉर एवरी सब सीक्वेंस ऑफ ए एन कन्वर्जिज टू जीरो, बट जीरो डजेंट बिलोंग्स टू ए। In other words, the sequence AN in A ठीक है, by the sequence AN in ए भाई एवरी सब सीक्वेंस ए एन के जीरो कन्वर्जेंट, बट जीरो ए में नहीं है, तो द सीक्वेंस ए एन ए डज नॉट कंटेन ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्ज टू ए पॉइंट ऑफ ए। हम क्या कर सकते हैं भाई, जीरो ए में नहीं होगा, इन अदर वर्ड्स द सीक्वेंस ए एन इन ए does not contain a subsequence which converges a point of capital A, hence capital A is not sequently compact।
A is not sequentially complex, hence the solution. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है? एवरी सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट. तो देखो पहले लेट कर लेते हैं कैपिटल एक्स बी सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट स्पेस. ठीक है, और रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? X is countably compact. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो उसके लिए लेट A, B and infinite subset of A infinite subset ले लिया. ठीक है, then there exists a sequence an in capital A with distinct terms. ये ले लेते हैं. तो देखो कहां तक कर लिया इसमें, डिस्टिंक्ट टर्म्स. सिंस कैपिटल एक्स इज सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट, then the sequence this contains subsequence an1 an2 up to a, इसको डॉट में लिख दो. This with distinct terms. ठीक है, which converges टू ए. ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, हेंस एवरी ओपन सेट कंटेनिंग ए कंटेन्स an infinite number of terms of the subsequence. ठीक है, but the terms are distinct.
ठीक है, टर्म्स क्या है इसमें, डिस्टिंक्ट, सो एवरी ओपन सेट कंटेनिंग ए कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए कैपिटल है। ठीक है, thus a belongs to x is a limit point of capital A, hence capital X is countably compact। ठीक है, तो रिमार्क क्या आता है, अब एक अकाउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस नीड नॉट बी सीक्वेंटली कंपैक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट दिस एन बी द सेट बी द सेट of positive integers by the sets by n be the set of positive integers and to be the topology on लेट कैपिटल एन बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, एंड टो दिस बी द टोपोलॉजी ऑन एन generated by the sets किस टाइप के सेट से जनरेट है, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, देन जो नेचुरल नंबर और टो है दिस इज countably compact। ठीक है, दिस स्पेस इज नॉट सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट ठीक है, ये सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं है, सिंस the sequence 1 2 3 and up to so on this contains
सीक्वेंटली कंपैक्ट स्पेस आ गया। दिस स्पेस इज नॉट सीक्वेंटली कंपैक्ट स्पेस सिंस द सीक्वेंस दिस कंटेन्स नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, तो कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस के लिए एग्जिस्ट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास so that a continuous image of a sequentially compact set, this is sequentially compact. कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए सीक्वेंटली कंपैक्ट सेट इज सीक्वेंटली कंपैक्ट। तो इसके लिए पहले एक फंक्शन एग्जिस्ट होगा, फिर उसको हम क्या प्रूव करेंगे। भाई कोई फंक्शन ले लिया हमने एक्स टू वाई कंटिन्यूस फंक्शन, ए उसका सीक्वेंटली कंपैक्ट स्पेस लेकर चल रहे हैं, हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ए भी सीक्वेंटली कंपैक्ट। ठीक है, तो उसके लिए एक सीक्वेंस लेकर चलोगे एफ ओ ए में। ठीक है, तो इसका यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, सो डेट ए कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए सीक्वेंटली कंपैक्ट सेट इज सीक्वेंटली कंपैक्ट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लोकली कंपैक्ट स्पेस। A topological space capital X is locally compact. If and only if every point in capital X this has a compact neighborhood. ठीक है, कैपिटल एक्स लोकली कंपैक्ट कब होगा, इफ एंड ओनली एवरी पॉइंट इन कैपिटल एक्स हैज ए कंपैक्ट नेबरहुड। सिंस ए कंपैक्ट स्पेस इज ए कंपैक्ट neighborhood of each of its points. ठीक है, so it is clear that every compact space is it is clear that every compact space is locally compact. तो देखो कैसे करेंगे इसका एग्जाम्पल। A locally compact space need not be compact. ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं।
consider an infinite discrete space capital X. ठीक है, हमें लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस को बताना है, जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पैक्ट हो जाए। तो इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस कैपिटल एक्स लेकर चले हैं, देन कैपिटल एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट। ठीक है, सिंस द कलेक्शन of all singleton is an infinite open cover of capital X. ठीक है, which has no finite subcode. ठीक है, ये डेफिनेशन चलेगी। तो देखो कैसे करते हैं, we show that जो कैपिटल एक्स है दिस इज लोकली कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो लेट करते हैं एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एंड सिंगलटन एक्स इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स स्मॉल एक्स। ठीक है, also singleton X is compact. ठीक है, ये नेबरहुड भी हो गया और ये कॉम्पैक्ट भी है। सो सिंगलटन एक्स इज ए कॉम्पैक्ट नेबरहुड ऑफ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, hence every point of capital X this has a compact neighborhood and so X is locally compact. ठीक है, singleton X क्या है, compact neighborhood of X हो गया, और every point of capital X has a compact neighborhood and so capital X is locally compact. Next theorem, a closed subset of a locally compact space is locally compact. तो इसको हम कैसे करेंगे, let X to be compact locally compact space. तो X to be locally compact space लेकर चले, and E be any closed subset of capital X, तो E is locally compact. भाई E कोई भी closed subset of X ले लेंगे, तो E को क्या प्रूव करना है हमें, locally compact. तो देखो क्या थ्योरम है, a closed subset of a locally compact space is locally compact. Let X to be locally compact space. ठीक है, एंड ई सबसेट ऑफ एक्स बी क्लोज्ड।
तो रिक्वायर टू प्रूव क्या होगा? ई इज लोकली कॉम्पैक्ट, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो उसके लिए लेट करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ई एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, देन ये एक्स किस में होगा, कैपिटल एक्स में भी होगा, बट कैपिटल एक्स तो दिस इज लोकली कॉम्पैक्ट, ये लोकली कॉम्पैक्ट है। तो उसकी लोकली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन से देन देयर एग्जिस्ट ए टो कॉम्पैक्ट नेबरहुड जी एक्स ऑफ एक्स, टो कॉम्पैक्ट नेबरहुड जी एक्स ऑफ एक्स। नाउ ई इज क्लोज्ड इन कैपिटल एक्स, सो जी एक्स इंटरसेक्शन ई दिस इज क्लोज्ड इन जी एक्स, ये भी क्लोज्ड हो गए। एज क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस, सो जी एक्स इज कॉम्पैक्ट। भाई जी एक्स इंटरसेक्शन ई तो क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस जी एक्स है, सो इट इज कॉम्पैक्ट इन जी एक्स। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा, एज क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज एज कॉम्पैक्ट, ठीक है, देयरफॉर जी एक्स इंटरसेक्शन ई दिस इज कॉम्पैक्ट इन जी एक्स, ठीक है, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। दस जी एक्स इंटरसेक्शन ई इज कॉम्पैक्ट नेबरहुड ऑफ x in capital E, ठीक है, यही तो प्रूव करना था। Hence, this capital E is locally compact, ठीक है, Hence the proof। तो इस टाइप से हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट होती है, नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।